मैं एक गरीब किसान का बेटा, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो जब से मुख्यमंत्री बने 24x7 हरियाणा की जनता को उपलब्ध हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें और उद्बोधन दें। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, भारत माता की, भारत माता की। आज हरियाणा की पवित्र भूमि और भगवान श्री कृष्ण की गीता उपदेश भूमि इस कुरुक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस गीता की भूमि के ऊपर मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जहां धर्म की लड़ाई स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी और उसी लड़ाई में पूरी मानवता को गीता के माध्यम से संदेश दिया था और उसी गीता से निकला क्रमेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माननीय प्रधानमंत्री जी कहने को और सुनने को मैं, यह गीता का श्लोक है, लेकिन 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके मार्गदर्शन में इसी कर्मण्येवाधिकारस्ते के सिद्धांत पर चल रही है। मैं कुरुक्षेत्र की इस धरती से पूरे हरियाणा की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की तरफ से राम राम कहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वयं भी हरियाणा में सरकारों को और शासन को आपने नजदीक से देखा है और हरियाणा की जनता ने भी उस शासन प्रशासन की व्यवस्था को भुगता है, लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन को लोगों ने देखा भी है और अनुभव भी किया है। पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछले 50 सालों की सरकारों और भारतीय जनता पार्टी की आपके तत्वाधान में 10 सालों की सरकारों के कामों में जमीन आसमान का अंतर आज दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा में नौकरी बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, अब हरियाणा में नौकरी बिकती नहीं है, न पर्ची चलती है, न खर्ची चलती है और न ही मर्जी चलती है। पहले केवल गरीब की मेहनत और युवाओं की लगन चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले किसान फसल बेचता था पर दाम किसी और के खाते में जाता था। पहले किसान खराबे की शिकायत करता था, दो दो रुपए के चेक पाता था। आज किसान मंडी में फसल बेच करके आता है, 72 घंटे में सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है और फसल खराबे का पूरा पैसा आज दिया जाता है। हमने पिछले 10 सालों में
किसी किसान को 2-3 रुपए का चेक नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा के हमारे बुजुर्ग 500 रुपए पेंशन पाते थे, उससे भी कुछ और उसमें से कुछ मिलती और कुछ दलाल ले जाते थे। आज बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन हमारे इन 10 वर्षों के अंदर मिलती है, जो पूरे देश सर्वाधिक है। और पेंशन बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, 60 साल का होने पर पेंशन सीधे खाते के अंदर जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ट्रांसफॉर्म को लिए भी पहले चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज हरियाणा में ट्रांसफर के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे हो ट्रांसफर होता है। और जहां कर्मचारी बताता है वहीं उसी स्थान के ऊपर उसका हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, आज हरियाणा के जो बेटियों को मारने वाला प्रदेश गिना जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी आप 2015 में हरियाणा के ऐतिहासिक भूमि पानीपत पर आए थे, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा के माथे से इस कलंक को मिटा दिया है। हमें पिछले 10 सालों से हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा ने पिछले 10 सालों में क्षेत्रवाद भाई भतीजावाद को पीछे छोड़ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की सेवा करने का आपके नेतृत्व में अवसर मिला है। मैं आज इस मंच से आपका भी और हरियाणा के अपने 2,80,00,000 लोगों के इस परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे 2 महीने में इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है कि जहां आपने 56 इंच की छाती के साथ देश को मजबूत नेतृत्व दिया, वहीं हमारी सरकार ने मात्र 56 दिनों के भीतर हरियाणा के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले हमने किए हैं। और यह साबित कर दिया है कि सच्ची नियत और सही संकल्प हो तो बदलाव लाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, हर जगह हर तरफ से लोगों से ये मिल रहा है कि लोग मुझे भी मिलने आते हैं, और सभी जगह सबकी जुबान पर एक ही बात है कि तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। और लोगों की यह आवाज मैं केवल सुन ही नहीं रहा हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास के रूप में उनकी आंखों में भी मैं देख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा का जवान देश के लिए जान देता है, हरियाणा का किसान देश के लिए अन्न उगाता है, और हरियाणा का पहलवान देश के लिए मेडल लाता है। हरियाणा देशभक्ति और देश सेवा की धरती है, हरियाणा कभी देशभक्ति से पीछे नहीं हटेगा। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा, और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर डबल इंजन की 3 गुना रफ्तार पकड़ेगा। मैं एक बार फिर पूरे हरियाणा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से पूरे हरियाणा की ओर से आपको राम राम कहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।